गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.2। इसमें हमें लैंग्वेज को पढ़ के पहले इक्वेशन बनानी है, फिर हमें सॉल्व करना है। द सम ऑफ टू कंजेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 55। फाइंड दीज टू मल्टीपल्स। हमें कहा जा रहा है 5 के दो मल्टीपल्स हैं कंजेक्यूटिव, उनका सम 55 है, तो बताइए वो दो मल्टीपल्स क्या होंगे। तो देखिए हम 5 के मल्टीपल्स को कैसे मानेंगे। लेट टू कंजेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5x और 5x प्लस 1। कंजेक्यूटिव होते हैं सीक्वेंस में आने वाला नंबर, तो एक नंबर क्या 5x, दूसरा नंबर होगा 5x प्लस 1। अब आपको इनका सम दिया है 55। सम मीन दोनों का एडिशन। तो फर्स्ट नंबर है आपका 5x, दूसरा नंबर है 5x प्लस 1, दोनों का सम हो गया 55। 5x ऐसे प्लस 5 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5x प्लस 5 बन जा 5 इक्वल 55। 5x और 5x को जोड़ेंगे क्या हो गया 10x प्लस 5 इक्वल 55। प्लस का 5 अदर साइड लेंगे माइनस हो जाएगा। 50 में से 5 क्या 50, 10x इज इक्वल टू 50, 10 डिवाइड में जाएगा और हो गया 5। तो x की वैल्यू आई 5। तो पहला नंबर हमारा कौन था 5x, यानी 5 5 25। दूसरा नंबर था हमारा मल्टीपल ऑफ 5 5x प्लस 1, यानी 5 5 प्लस 1, यानी 6। 5 6 30, ये बेटे 5 लिखा है, 5 6 30। तो दो मल्टीपल 5 हुए, पहला हो गया 25 और दूसरा कॉन्जिकेटिव मल्टीपल ऑफ 5 है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन आपका है द सम ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज 666। फाइंड दीज मल्टीपल्स। अब आपको तीन कॉन्जिकेटिव मल्टीपल्स लेने 6 के और उसका सम दिया आपको 666। तो आपको पता करना है कि वो मल्टीपल्स क्या होंगे। लेट थ्री कॉन्जिकेटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6x, 6x + 1, 6x + 2। क्या मान लिया हमने, ये तीन मल्टीपल्स हमने कॉन्जिकेटिव मल्टीपल्स फॉर्म ऐसे मान लिए। तीनों का सम आपको दिया है 666। 6x, 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6x प्लस 6 बन जा 6, 6x प्लस 6 टू जा 12। अब क्या करेंगे, 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18x, 6 प्लस 12 इज 18 इक्वल 666। प्लस का नंबर इधर जाके माइनस का हो गया 648। एक्स इज का 2 18 डिवाइड में चला गया, इसको हमने कट करा बेटा पहले 2 से, 2 9 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा। अब 3 से कट करें, 3 3 जा फिर 3 1 जा 3 जाएगा नहीं, 2 है 0 लगाएंगे, सॉरी इसको हम अब कट करें बेटा 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब 2 में 3 जाएगा नहीं 0 लगाएंगे, 4 लेंगे 24, 3 8 जा 24। फिर इसे हम कट कर रहे हैं 3 से, 3 3 जा 9 बचा 1, 3 6 जा 18, 36 आ गई हमारी x की वैल्यू। पहला मल्टीपल कौन था हमारा 6x, यानी 6 इंटू 36 करेंगे 270, 269। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर हमारा 6x प्लस 1, यानी 6 इंटू 36 प्लस 1, 36 प्लस 1 यानी 37, 6 जा करेंगे 222 आएगा। थर्ड कॉन्जिकेटिव है हमारा 6x प्लस 2, x की वैल्यू डालेंगे 36 प्लस 2 यानी 38, 6 और 38 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 आ गया। तो पहला आ गया 216, दूसरा आया 222, तीसरा आया 228। तो ये हमारे 6 के तीन कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स मिल गए। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है,
द एज ऑफ सारिका एंड प्रिया आर इन रेशो 5:7, यानी जो एज है द एज ऑफ सारिका एंड प्रिया आर इन द रेशो ऑफ 5:7 4 years later मीन 4 साल बाद देयर एज विल बी इन द रेशो ऑफ 3:4 चार साल बाद उनकी एज का रेशो 3:4 हो जाएगा. बताइए उनकी एज क्या थी. देखिए रेशियो ऑफ एज ऑफ सारिका एंड प्रिया 5:7 रेशियो खुद में होता है तो हम किसी वेरिएबल के साथ में लिखते हैं. सो लेट सारिकास एज इज 5x प्रियास एज इज 7x 4 years later 4 साल बाद दोनों के एज में 4 जोड़ देंगे तो सारिका की एज हो गई 5x+4 और प्रिया एज हो गई 7x+4. अब 4 साल बाद उनकी एज का रेशो दिया आपको 3:4 तो दिस इज इक्वल टू 3:4 यानी दिस अपॉन दिस इक्वल 3/4 रेशो मीनिंग इज अपॉन 3/4 एंड दिस रेशो मीन दिस अपॉन दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 इधर और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20x प्लस 4 4 16 3 7 21 प्लस 3 4 12 20 प्लस का इधर ले जाएंगे माइनस में गया 16 में से 12 गया 4 21 में से 20 गया x ये हमारी x की वैल्यू आ गई. अब सारिका की एज क्या थी 5x यानी 5 × 4 20 years ये सारिका की एज हो गई. देखिए सारिकास एज 5x यानी 5 × 4 यानी 20 years प्रियास एज इज 7x यानी 7 × 4 इज इक्वल टू 28 years. क्वेश्चन इज ओवर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है. सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स 98 दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका सम 98 है और इंटीजर्स का रेशो 3:4 है. बताइए वो इंटीजर्स कौन से हैं. द सम ऑफ दो इंटीजर्स हैं जिसका सम 98 है और उनका रेशो 3:4 है. पता करना है वो इंटीजर्स कौन से हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नाउ सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 98 रेशियो ऑफ इंटीजर इज 3:4 तो वन इंटीजर इज 3x अदर इंटीजर इज 4x दोनों का सम यानी 3x+4x इज 98 3+4 इज 7x इज इक्वल टू 98 7x के मल्टीपल में है अदर साइड लेंगे डिवाइड में जाएगा 7 × 1 = 7 बचा 2 7 × 4 = 28 तो 7 से इसको कट करेंगे यू विल गेट 14 तो वन इंटीजर आपका 3x है यानी 3 × 14 14 × 3 = 42 और अदर इंटीजर इज 4x यानी 14 × 4 = 56 तो ये आपके दो इंटीजर्स होंगे जिसका सम 98 होगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है द सम ऑफ 2 digits ऑफ अ 2-digit नंबर इज 12. एक 2-digit नंबर की डिजिट्स का सम 12 है. एक 2-digit का नंबर है जिसमें डिजिट्स का सम 12 है. इफ न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट अगर नंबर को रिवर्स करके न्यू नंबर को बनाया जाता है ठीक है. इफ न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 18 यानी जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 18 मोर देन है फाइंड द ओरिजिनल नंबर. फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए. सम ऑफ डिजिट्स 2-digit के नंबर की
डिजिट का सम 12 है। एक नया नंबर डिजिट को रिवर्स करके बनाया जाता है। ये नया नंबर ओरिजिनल नंबर से 18 ग्रेटर है, तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। लेट देखिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। डिजिट्स का सम दो डिजिट के नंबर का 12 दिया है। हमने मान लिया वंस प्लेस एक्स है, तो टेंथ प्लेस 12 माइनस एक्स होगा। दो नंबर का सम 12 है, तो जो यूनिट प्लेस है जिसे हम वंस प्लेस कहते हैं वो एक्स होगा, और टेंथ प्लेस 12x होगा। जो नंबर होगा ओरिजिनल नंबर, टेंथ प्लेस वाला 10 का मल्टीपल होगा, वंस प्लेस वाला 1 का मल्टीपल होगा। बात समझिए, जैसे कोई नंबर 24 है तो ये 1 प्लेस होता है, ये 10 प्लेस होता है, तो हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो हम लिखते हैं 2 tens 4 ones, 2 tens को लिखते हैं हम 2 into 10, 4 ones को लिखते हैं हम ओनली 4, तो ऐसे लिखते हैं। तो जो 10 प्लेस वाला नंबर होता है वो 10 का मल्टीपल होता है। यहाँ पे 10 प्लेस कौन है, 12 माइनस एक्स, तो ये 10 का मल्टीपल होगा, और 1 प्लेस ऐसे। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 12 120, 10 और एक्स 10x एंड प्लस एक्स ऐसे, ठीक है। फिर 10 माइनस में से x गया 9x, तो ये जो ओरिजिनल नंबर को हमने सॉल्व करा है ये आएगा 120 माइनस 9x। अब रिवर्स नंबर देखिए, रिवर्स नंबर में क्या करेंगे, x ले जाएंगे 10 के साथ और वंस के प्लेस पर ले जाएंगे 12 माइनस एक्स, यानी इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो इसे हम रिवर्स नंबर कहते हैं। यानी जो x है वो 10 के साथ ले जाएंगे और ये 12 माइनस एक्स को x की जगह पर ले जाएंगे। उसको सॉल्व कर लिया, 10x में से x गया 9x प्लस 12, ये हमारा रिवर्स नंबर है और ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। नाउ अब कंडीशन दी है, न्यू नंबर यानी जो रिवर्स नंबर है वो 18 मोर देन ओरिजिनल नंबर है, तो आपका जो रिवर्स नंबर है देखिए ये आया था 9x प्लस 12, तो 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 18 मोर देन यानी 18 प्लस, और ओरिजिनल नंबर कौन आया था 120 माइनस 9x, डाल दिया यहाँ पे। अब माइनस का 9x इधर ले गया प्लस में गया, इन दोनों को ऐड किया 128, प्लस का 12 इधर ले गए माइनस हो गया, सबट्रैक्ट करा 126, 9 प्लस 9 इज 18, 18 डिवाइड मिल गया 87 जो होता है बेटा 126। अब नंबर क्या होगा, ये जो x की वैल्यू है इसको इस ओरिजिनल नंबर में डाल देंगे, तो ओरिजिनल नंबर कौन है 120 माइनस 9x, यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू डाल देंगे, 120 माइनस 9x के लिए क्या है 7, 9 7 जा 63, 120 में से 63 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर है 6, वन नंबर इज 3 times द अनदर, हम अनदर नंबर को x मानेंगे, तो जो वन नंबर है वो 3x हो जाएगा, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 times है। अगर हम 15 दोनों में ऐड कर देते हैं तो जो वन नंबर होता है वो अनदर नंबर का 2x हो जाता है। फाइंड द न्यू नंबर, इसे देखिए, वन नंबर इज 3 times द अनदर, एक नंबर अनदर नंबर का 3 times है। इफ 15 इज एडेड बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस दैट ऑफ द अदर न्यू नंबर, फाइंड न्यू नंबर। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, लेट अनदर, ये बेटा अनदर लिखा है, अनदर, ठीक है, अनदर नंबर कौन है एक्स, तो जो वन नंबर है वो हो जाएगा 3x। इफ 15 इज एडेड बोथ द नंबर देन अनदर नंबर हो जाएगा x प्लस 15, चूंकि अनदर नंबर x था, और वन नंबर हो जाएगा 3x प्लस 15। आपको कंडीशन दी है जो वन नंबर है वो ट्वाइस है अनदर नंबर का, ये आपको कंडीशन दी है, ठीक है। तो वन नंबर कौन है 3x प्लस 15, ट्वाइस हो गया x प्लस 15, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 250 जा
थर्टी, टू एक्स इधर लेंगे, फिफ्टीन इधर ले लेंगे, थ्री एक्स में से टू एक्स गया एक्स, थर्टी में से हो गया फिफ्टीन, तो एक नंबर कौन हो गया आपका 15, और ये अनदर नंबर हुआ चूंकि हमने अनदर नंबर x माना था, वन नंबर हो गया 3x यानी 3 इंटू 15 यानी 45। आज हम सिर्फ इतने ही कुछ